CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक। पेश है नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का 19वां पाठ। ये इस पुस्तक का आखिरी पाठ है। अख्तरुल ईमान सफा 56। तारुफे शायर अख्तरुल ईमान। पैदाइश 1915, इंतकाल 1995। अख्तरुल ईमान नजीबाबाद जिला बिजनौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद कुछ मुद्दत तक वो दिल्ली कॉलेज में जेरे तालीम रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। शुरू में महकमाए सिविल सप्लाई में काम किया। कुछ मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो में रहे। उसके बाद मुंबई जाकर फिल्मों से वाबस्ता हो गए। उनकी नज़मों के 6 मजमूए गिरदाब 1943 में, तारीख सैयारा 1946 में, एक मंजूम तमसील सब रंग 1948 में, आबेजू 1959 में, यादें 1961 में, बनते लम्हात 1969 में, नया आहंग 1977 में शाये हो चुके हैं। उनका कुल्यात सरोसामा 1984 में मंजरे आम पर आया। उनकी खुद नविश्त का नाम उस आबाद खराबे में है। चौथे मजमूए यादें पर 1962 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। इकबाल एजाज के अलावा मुतादित सूबाई अकादमियों ने भी उन्हें एजाजात और इनामात से नवाजा। अख्तरुल ईमान की नज़मों में एक फ़लसफ़ियाना तजस्सुस की कैफियत मिलती है। नज़्म निगारी में उन्होंने अपनी राह अलग बनाई है। नेकी और बदी की कश्मकश, वक्त की अहमियत, ख्वाब और हकीकत का तसादुम और इंसानी रिश्तों की धूप छांव उनके पसंदीदा मौजूआत हैं। वो बराहे रास्त अंदाज के बजाय रमजिया अंदाज के शायर हैं। उनके यहाँ खुद कलामी और मकालमे की कैफियत मिलती है। अख्तरुल ईमान उर्दू नज्म के मुमताज शायर तस्लीम किए जाते हैं। सफा 57। नज्म गो शायर अख्तरुल ईमान की नज्म एतमाद। अब पेश है अख्तरुल ईमान की आजाद नज्म एतमाद। बोली खुद सर हवा एक जर्रा है तू। बोली खुद सर हवा एक जर्रा है तू। यूं उड़ा दूंगी मैं मोहे दरिया बढ़ी बोली। मेरे लिए एक तिनका है तू। यूं बहा दूंगी मैं आतिशे तुंद की एक लपट ने कहा। मैं जला डालूंगी और जमीन ने कहा मैं निगल जाऊंगी। मैंने चेहरे से अपने उलट दी नकाब और हंसकर कहा मैं सुलेमान हूं इब्ने आदम हूं। मैं सुलेमान हूं इब्ने आदम हूं मैं यानी इंसान हूं। अख्तरुल ईमान। मश्क सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर एक खुद सर हवा ने जर्रे से क्या कहा। सवाल नंबर दो वो कौन सी ताकतें हैं जो इस नज्म में इंसान को डराने की कोशिश कर रही हैं। सवाल नंबर तीन नज्म के सातवें मिसरे में मैं की जमीर किसके लिए इस्तेमाल हुई है।
सवाल नंबर 4, शायर ने इंसान की अहमियत का एहसास किस तरह दिलाया है? गुलजारे उर्दू भाग 1 का 19वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इस सबक के साथ हिस्सा दोम मंजूमात खत्म हुआ। इसके साथ ये पुस्तक भी यहाँ समाप्त होती है। नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दरसी किताब गुलजारे उर्दू खत्म हुई। अभी आप सुन रहे थे नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग 1 का 19वां पाठ। ये इस पुस्तक का आखिरी पाठ है। प्रस्तुति CIET NCERT।